Hey guys, welcome back to Prashika Vlogs. I am Sakshi और आज का ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ फिर से एल्विश यादव से। ब्लॉग शायद छोटा हो और शायद बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मुझे बताना कि इस वीडियो में मेरा वॉल्यूम मोड कैसा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरा थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम रहा है। दूसरी चीज़, ट्रैफिक का शोर रहेगा तो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मेरी तरफ से हो सकता है, बट प्लीज़ कोऑर्डिनेट जैसे कि पिछले वीडियो में किया। ये वीडियो रिएक्शन वीडियो से ज़्यादा होगा आपका फेवरेट, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ वो क्वेश्चन जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे। क्वेश्चन वो है, जब एल्विश यादव से मैं मिली क्या मेरा रिएक्शन था या उनका क्या रिएक्शन था, क्या मैंने बात की कुछ, और मैं कहाँ मिली, जो कि बेसिक क्वेश्चन है और आपने जानना है। तो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगी, उसके साथ बताऊँगी कि मैं कहाँ मिली तो वो जगह क्या है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने ऑफिस में मिली। ऑफिस था इंडिया टुडे ग्रुप। आज तक अंदर से कैसा दिखता है पूरी तरीके से हम नहीं दिखा सकते, बट थोड़ा बहुत मैं दिखा सकती हूँ। जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, और मैंने वो पूरा ब्लॉग आपके लिए बनाया हुआ है। आज वो दिन है जब मैं आपको ब्लॉग दिखाने वाली हूँ कि आज तक, यानी कि नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी में जो आज तक है वो अंदर से कैसा दिखता है, उसका एक डिपार्टमेंट और उसका कैफेटेरिया मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। दूसरी चीज़, एल्विश जब उस ऑफिस में आया था वो भी मैंने शूट किया था, तो वो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगी, और क्या चीज़ें रही, कैसे मैं मिली, क्या हुआ, वो मैं आपको दिखाने वाली। तो सबसे पहले देखते हैं वो ब्लॉग क्या आज तक कैसा दिखता है। सो लेट्स गो। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ऑफिस से। ऑफिस सबको पता है कौन सा है, वैसे मैं चीख चीख के सोशल मीडिया पर बता देती हूँ। और आज है सैटरडे, आज हर किसी का वीक ऑफ है, और मेरे डिपार्टमेंट में मैं अकेली हूँ इसलिए ही ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि हर सैटरडे मुझे आना होता है बट और किसी को नहीं आना होता, क्योंकि मैं अभी एक इंटर्न हूँ। आज अच्छा मौका है कि मैं व्लॉग बना सकती हूँ, और मैं क्या कुछ बता सकती हूँ, मतलब बहुत जो चीज़ें होंगी, मतलब थोड़ा सा अगर मैं, वैसे तो पीछे वहाँ कैमरा लगा है और मुझे नहीं पता ये सब कुछ अलाउड है या नहीं है, पर मैं कर रही हूँ। जो नीचे कैंटीन है या बाकी चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगी कुछ दिखा पाऊँ, और मैं अकेली हूँ, थोड़ा सा काम रहता है वही चल रहा है। तो अभी सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपना आई कार्ड, ठीक है? और आई कार्ड देख के आधे मेरे दोस्त जो है ना उसके मजाक बनाते हैं। सो ये है मेरा आई कार्ड। पहले तो मैं देख के बहुत खुश हुई थी क्योंकि इंडिया टुडे का आई कार्ड है। दूसरी चीज़, क्योंकि मैं इंटर्न हूँ तो उस पर लिखा होता है टेम्प्रेरी, सॉरी हो मेरा फ़ोन नंबर भी है इसमें, छुपा के दिखाती हूँ। ये मेरा आई कार्ड है और ये नीचे लिखा है मेरा नाम। मैं आज लैपटॉप नहीं लाई क्योंकि आज उसका कोई काम नहीं है। मैं अपना स्टूडियो वैसे कई बार अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, पर ऐसे भी दिखा देती हूँ स्टूडियो। सॉरी, ये है डिपार्टमेंट और ये है आज तक रेडियो का डिपार्टमेंट। इंडिया टुडे ग्रुप कंपनी का नाम है, उसके अंदर आज तक आता है, वो सेकंड फ्लोर पे है। उसके बाद जो और डिपार्टमेंट है, जैसे कि आज तक का डिजिटल है वो बाहर है, और आज तक के जितने टक चैनल्स हैं वो सब अलग अलग बटे हुए हैं। लल्लन टॉप सबसे नीचे है, हमारे ऊपर इश्क FM है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और हम थर्ड फ्लोर पर है, ठीक है? तो ये हो गई यहाँ की जानकारी। हाँ, एक और यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब रूल रेगुलेशंस होते, मुझे धीरे धीरे पता लगेंगे रूल्स की हम अपने डिपार्टमेंट में बैठ के नहीं खा सकते। वैसे किसी भी ऑफिस में अलाउड नहीं होता, बट यहाँ का फ़ाइन काफ़ी तगड़ा है। अगर मैं यहाँ खा लूँ तो मेरे को बहुत तगड़ा फ़ाइन लगेगा, इतना तो यहाँ मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। ये हमारी कैंटीन है। तो मैंने खाना खा लिया है और अब आखिरी काम बचा है, कोशिश करूँगी जल्दी। तो अब लंच करने के बाद जो अभी लास्ट काम बचा है वो मैं कर रही हूँ। दूसरी चीज़, हमारे डिपार्टमेंट में ना आज जैसे एक सर में आए, तो वो आए हैं पर वो सुबह से बैठे थे स्टूडियो में, तो मुझे पता नहीं लगा। अभी देखो ये स्टूडियो है, मैं दिखाने आ जा रही हूँ इस स्टूडियो को, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक स्टूडियो हमारा ऊपर है फोर्थ फ्लोर पर, और एक स्टूडियो हमारा यहाँ नीचे है। तो देखो कि तीछी लाइट्स मेरे फेस पे पड़ रही है ना, क्योंकि छोटा सा स्टूडियो है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले ये है पीछे का बैकग्राउंड, जहाँ पर लिखा आज तक रेडियो, गांधी जी के फोटो हैं ये, मतलब रेडियो में जैसे उनसे। उसके बाद एक हमारा छोटा सा माइक यहाँ पर है, और भी माइक है, ये टेबल है, एंड ये छोटा सा पूरा स्टूडियो है। वहाँ पर सामने रिकॉर्डिंग होती है, मैं यहाँ बैठी हूँ बहुत तरह से। और हाँ, यहाँ पर वो ख़तरनाक वाली मीटिंग भी होती है। अब इंटर्नशिप के दौरान क्या हुआ था कि उस बीच मुझे मौका मिला था कुछ बुलेटिन रिकॉर्ड करने का,
सो यहाँ सिस्टम है, यहाँ ये माइक है जिस पर बैठ के मैं रिकॉर्ड करती थी। पूरा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। अब ये जो लास्ट का काम बचा है वो कर रही हूँ। बुलेटिन सर अभी गए हैं नीचे खाना खाने, मैंने खा लिया है। एंड सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा मैंने इस पल को। बट हाँ, बहुत आसान नहीं है। अगर इंटर्नशिप भी है तो कोई आसान चीज़ नहीं है। आप बहुत अच्छी जगह पर भी काम कर रहे हैं तो आसान नहीं है। अब नहीं करूँगी इंटर्नशिप, मौत हो गई, बहुत सुन ली दूसरे की। मैं तो जब जॉब करती थी तब तक नहीं सुन पाती थी। मैं सोचती थी कि अभी दे दूँगी रिजाइन, मारूँगी रिजाइन। सो जब इंटर्नशिप कर रहे हो और आप किसी की सुन रहे हो तो मन करता हूँ मुँह तोड़ दूँ। और जब आपको पता लगे आपसे छोटे हैं। दूसरी चीज़, हाँ मैं बता दूँगी, पूरी कंपनी में सिर्फ एक स्टूडियो ये है जहाँ पर कैमरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि हिडन कैमरा ना हो कहीं तो तैयारी है। चलो मैं अपने काम कर लेती हूँ, मुझे 3 बजे तक भेजना है। बाय। अब तो मैं जा रही हूँ घर, बच रहे हैं 4:00 बजे मेरी छुट्टी होगी। देखा सैटरडे कितना अच्छा होता है, जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो मैं कुछ खास दिखाने वाली हूँ, मैं दिस इज द एग्जिट एंड दिस इज आवर ऑफिस। ये है हमारा ऑफिस, प्यारा है ना, और इतनी प्यारी हरियाली दिख रही है। ओके, सो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन है कि मैं एल्विश यादव से कहाँ मिली। तो मैं एल्विश यादव से मिली अपने ऑफिस में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये ऑफिस है आज तक। आज तक मैं रेडियो डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, इंटर्नशिप करती थी, और वहाँ पर मैं एल्विश से मिली। हुआ क्या था कि एल्विश इंटरव्यू के लिए आज तक आए थे, जैसे सबने इंटरव्यू देखे जो कि वायरल हुए हैं। तो फिर वहाँ पर जैसे मुझे पता लगा कि एल्विश, तो मैं भाग कर गई और मैं कोशिश की कि मैं उनके साथ फोटो खिंचाऊँ, और अच्छे से बैठ के उनके साथ फोटो हुआ। मैंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया। सिस्टम लो भाई, इसमें से ना अपना स्क्रीनशॉट निकाल देना सारे भाई, जो जो है ना कर दिया ना। फोन की कीमत बढ़ने वाली है, मैं बोली लगाने वाली हूँ। Like a pair of puppet strings.